हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कार्स गैलरी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में। मारुति सुजुकी ने सबसे पहले 2009 में स्विफ्ट डिज़ायर को लॉन्च किया था। देन 2012 में मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट डिज़ायर की सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया। देयरफोर 2017 में स्विफ्ट डिज़ायर को न्यू प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया, जिसके साथ में इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर को और ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया। और सबसे बड़ा चेंज था इसके नाम में, इसके बैजिंग में, जिसमें से स्विफ्ट को अलग कर दिया गया एंड इसे मारुति सुजुकी डिज़ायर का नाम दिया गया। एंड इससे पहले जो इन जनरेशन स्विफ्ट डिज़ायर आती थी, उसे टैक्सी टू ट्रेवल्स पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हेयर वी गो। मेरे पास है मारुति सुजुकी डिज़ायर 2019 मॉडल ZXi प्लस। तो लेते हैं सबसे पहले गाड़ी का एक वॉक अराउंड, उसके बाद बात करते हैं इसके एसेसरीज मॉडिफिकेशंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉकराउंड के बाद हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले स्विफ्ट डिजायर की बेजिंग आती थी, जिसमें से स्विफ्ट को अलग कर दिया गया। तो आप नोटिस कर सकते हैं लेफ्ट साइड में अब सिर्फ डिजायर की बेजिंग ही आपको देखने को मिलेगी। सो फ्रंट प्रोफाइल में बात करें हम अगर सबसे फर्स्ट एसेसरीज की, तो आपने नोटिस किया होगा कि डिजायर 2017 से 2019 मॉडल की जो फ्रंट ग्रिल है, उसमें सिर्फ ये ऊपर जो है क्रोम का वर्क मिलता है। तो इसमें आप डिफरेंट ग्रिल आती हैं, जैसे मैंने लगा रखी है, ये ग्रिल आपको एस क्रॉस में देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं GTR ग्रिल। इस ढंग से मर्सिडीज बैंस और बहुत सारे ग्रिल्स आती हैं, मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अपने पसंद के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं और नियरली कोई भी मैकेनिक से या आप खुद भी घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड एसेसरीज की बात करें तो वो है हेडलैम्प गार्निशिंग। हेडलैम्प गार्निशिंग में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डबल ट्रीटमेंट करा रखा है, नीचे क्रोम का वर्क है और उसके ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश में है। आप चाहें तो सिंगल भी करा सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप जैसा भी करा सकें। इसके साथ साथ मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि जो लोअर वेरिएंट्स होते हैं उनके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो ये बाहर से अपग्रेड भी करवा सकते हैं, जिसमें DRLs भी इंस्टॉल होती हैं। जो थर्ड एसेसरीज हैं वो है फॉग लैम्प। तो ये मुझे कार के साथ स्टॉक फॉग लैम्प मिले हैं क्योंकि मेरा टॉप मॉडल है, तो अगर आपको अपने मॉडल के साथ में फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं तो आप ये भी बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसमें भी बहुत टाइप्स के ऑप्शन हैं, HID, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको बजट हो उस हिसाब से आप चेंज करवा सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज अलॉय व्हील्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास टॉप मॉडल में अलॉय व्हील्स ऑलरेडी कंपनी से इंस्टॉल्ड हैं। अगर आपके टॉप मॉडल नहीं है, VXI है, LDI है, तो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। इसमें बहुत तरह के ऑप्शन आते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं, अदरवाइज जो सिंपल व्हील कैप वाले होते हैं वो भी चल सकते हैं। इसके डोर वाइजर आपकी कार को स्पोर्टी लुक तो देती हैं, इसके साथ में रेन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंने जो डोर वाइजर लगवाए हैं उसमें क्रोम का ट्रीटमेंट भी हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें सिंपल डोर वाइजर भी आते हैं और क्रोम वाले भी आते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगवाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लोअर विंडो गार्निश। आप लोअर विंडो गार्निश भी लगा सकते हैं, ये टॉप मॉडल में मुझे कंपनी से ही इंस्टॉल मिली है, आप चाहें तो इसे बाहर से भी लगवा सकते हैं, अमेजोन पर भी ये अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो जैसा कि आपने आगे फ्रंट हेडलैम्प पे देखा, आपको उसके ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश का जो ट्रीटमेंट मिला था वो सेम मैंने डोर हैंडल्स पर और पीछे फ्यूल टैंक पर भी करवाया है। ये पूरा सेट आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे से आती है वो बहुत ज्यादा कार के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि है साइड बीडिंग्स। साइड बीडिंग्स आपकी कार को किसी दूसरी सरफेस से डैमेज होने से बचाती हैं, तो ये आप जरूरी लगवा लीजिए।
रियर लुक में आप देख सकते हैं मैंने कार पर स्पॉइलर इंस्टॉल करवाया है। ये स्पॉइलर कंपनी से नहीं आता है, ये आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। इसमें दो तरह के स्पॉइलर आते हैं, एक आते हैं जिसमें बीच में लाइट्स होती हैं जो कि ब्रेक लाइट दबाने के साथ में लगती हैं, पर उसके लिए आपको अंदर से वायरिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने लगाई है बूट गार्निशिंग, आप देख सकते हैं बूट पर भी क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है। जो इसके बाद में आती है एक्सेसरीज वो है आपकी बम्पर प्रोटेक्शन। बम्पर प्रोटेक्शन आपकी कार को किसी दूसरे इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही जैसा कि आपको पता है मेरा टॉप मॉडल है, तो इसमें मुझे कंपनी से ही इंस्टॉल्ड रियर पार्किंग सेंसर प्रोवाइड हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो है वो चार सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, और जो कि अपनी नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट की ऊपर की साइड में कैमरा भी इंस्टॉल्ड है। सो अगर आपकी कार में रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा नहीं है तो आप इसे भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज बम्पर गार्ड। आप देख सकते हैं मैंने कार की बैक साइड में ये बम्पर गार्ड लगा रखा है, ये आपकी कार को पीछे से आने वाले किसी भी इम्पैक्ट से काफी हद तक बचा सकता है। नेक्स्ट एक्सेसरी जो मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाई है वो है शार्क फिन एंटेना। शार्क फिन एंटेना आपकी कार के लुक को इनहेंस कर देता है। इसके बाद मैंने आफ्टर मार्केट जो एक्सेसरी इंस्टॉल करवाई है वो है ये डोर कॉर्नर प्रोटेक्टर। ये आपकी कार के पास में किसी भी दीवार या कोई और दूसरी गाड़ी खड़ी हो उससे आपकी गाड़ी को हार्म होने से बचाता है। साथ में मैंने कंपनी से ये रबड़ ग्रिप्स भी परचेस कर ली थी जो कि मुझे काफी सस्ती पड़ी। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर की एक्सेसरीज की। इंटीरियर में सबसे पहले मैंने कंपनी से ही एटमोस्फियर लाइट लगाई थी। ये ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड इंस्टॉल हुई थी। ये कार अनलॉक करने के साथ ही ब्राइट होती है जिससे कि कार बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। नेक्स्ट जो एक्सेसरीज हैं वो है सीट कवर्स। सीट कवर्स मैंने कंपनी से ही इंस्टॉल करवाए थे, आप चाहें तो इसे आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हैं। सीट कवर्स में भी बहुत तरह के सीट कवर्स अवेलेबल हैं जिसमें बकेट फिट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इंफोटेनमेंट सिस्टम बीच में लगा है ये मुझे कंपनी से ही प्रोवाइड हुआ है क्योंकि ये टॉप मॉडल है। अगर आप इसके नीचे का भी ZXI मॉडल भी लेते हैं तो भी उसमें आपको टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड नहीं होता है। आप इसे बड़ी इजीली और बहुत कम कॉस्ट पर आफ्टर मार्केट से इंस्टॉल करवा सकते हैं। आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाने पर आपको इसमें अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, 1GB रैम 16GB मेमोरी, 2GB रैम 32GB मेमोरी और मैनी मोर। नेक्स्ट एक्सेसरीज है कार के इंटीरियर मैट्स। इंटीरियर मैट्स आपकी कार को प्रीमियम लुक तो देते ही हैं, साथ में आपके फोन, सनग्लासेस और को स्क्रैचेस से बचाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सेसरी आती है आर्मरेस्ट। डिजायर में आर्मरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता है, आपको बाहर से आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ता है। मैंने ये आर्मरेस्ट आफ्टर मार्केट लगवाया है। जब मैं ये परचेस करने गया था तो दो ऑप्शंस थे, एक था ये वुडन आर्मरेस्ट जो मैंने लगवाया हुआ है और एक था प्लास्टिक आर्मरेस्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लास्टिक आर्मरेस्ट मत लगाइए, वो कुछ टाइम बाद में जैसे ही गाड़ी वाइब्रेट होगी तो वो उसके साथ में नॉइज प्रोड्यूस करेगा जो कि काफी ज्यादा बेकार लगता है। तो आप ये वुडन वाला ही लगाइएगा। आपको जैसे ध्यान हो तो डिजायर में रियर में एसी वेंट दिए हुए हैं, तो ये आर्मरेस्ट की डिजाइन इस तरीके से ही है कि रियर के एसी वेंट्स जो है वो कवर ना हो। मैं आपको भी कार के बैक साइड में लेके जाऊंगा और दिखाता हूँ। सो मैं आपको ये वुडन वाला आर्मरेस्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितनी स्पेस है। सो आप देख सकते हैं कि बैक साइड में जो चार्जिंग स्लॉट है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है डिजायर में, तो उसकी भी अलग से स्पेस इसमें है। और आगे की साइड माइक्रोफाइबर क्लॉथ और सैनिटाइजर पड़े तो थोड़ा माइंड मत करना। तो इसके साथ ही मैं आपको एक बात ये और बता दूं कि आप अपनी कार के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज करें, कोई भी दूसरा कपड़ा यूज ना करें। माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपकी कार को स्क्रैचेस से, स्क्वायर मार्क से बचाता है। सो ये है डिजायर की बैक सीट, और बैक सीट पर हम देख सकते हैं कि बीच में एक आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड है जो कि लॉन्ग जर्नी में पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करवाता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो रियर एसी वेंट है वो भी आर्मरेस्ट की वजह से नहीं छुप रहे हैं। नीचे की साइड थोड़ी कार गंदी है तो माइंड मत कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सेसरीज जो है वो है पावर विंडो। पावर विंडो आप कंपनी से और आफ्टर मार्केट दोनों तरफ से इंस्टॉल करवा सकते हैं। आफ्टर मार्केट पावर विंडो इंस्टॉल कराने पर आपको कुछ एडिशनल फीचर मिलेंगे, जैसे कि जब आप बाहर जाकर कार को लॉक करेंगे तो आपके ग्लासेस ऑटोमेटिकली अप होकर विंडोज को क्लोज कर देंगे। इसके साथ ही आप ऑटोमेटिक फोल्डेबल ORVMs भी आफ्टर मार्केट और शोरूम दोनों से लगवा सकते हैं। जब आप नई कार परचेस करते हैं तो आपको नई कार के साथ में फैब्रिक मैट्स प्रोवाइड होते हैं, बाद में आप इन्हें दूसरे मैट्स के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। मार्केट में 3D मैट्स भी अवेलेबल हैं और इनके साथ साथ 5D मैट्स भी अवेलेबल हैं, और 5D मैट्स को भी आप अगर अपग्रेड करना चाहें तो 7D मैट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी मैट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेसरी है सनशेड्स। सनशेड्स हमारी कार में सन रेज को डायरेक्ट आने से रोकते हैं जो कि कार को कूल भी रखते हैं, और लॉन्ग जर्नी में ये काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं।
नेक्स्ट एसेसरी है सिल प्लेट। सिल प्लेट हमारी कार के पेंट को स्क्रैच से बचाती है। ये LED और नॉन LED दोनों में अवेलेबल है। अगले एसेसरी की अगर हम बात करें तो वो है अंडर बॉडी स्पॉइलर या बॉडी किट। बॉडी किट कार को एक प्रीमियम लुक तो देता ही है, इसके साथ में मेन बॉडी को किसी भी हार्म या डैमेज से प्रिवेंट करता है। चलते हैं नेक्स्ट एसेसरी की तरफ जो कि है रियर डिफ्यूज़र। रियर डिफ्यूज़र कार के बैक प्रोफाइल में रियर बम्पर के नीचे की तरफ इंस्टॉल होता है। ये कार के लुक को इन्हेंस तो करता ही है, साथ में कार को प्रीमियम फील देता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे।